मेरे ख्याल जी मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करने की तो लिमिट नहीं है इस्माइला। नहीं, हम ये भी कर सकते हैं ग्रुप ए के जो दो पेपर पास किए हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में चार पेपर मैं ग्रुप बी से ले लूं और ए से कोई भी पेपर ना अटेम्प्ट करूं। जी सर, जी का मतलब हाँ है जी सर, जी हाँ, जी हाँ। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अभी कैफ वन और टू अगर एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो हम फिर पेपर क्यों दें अभी सितंबर अटेम्प्ट में उसका? तो आप सोचें ये हमें कंफर्म करें ना। हम क्यों देखिए करें? सर, देखिए कंफ्यूजन आपकी कॉल है, आपने पेपर देना है नहीं देना, रिस्क एंड नहीं, रिवॉर्ड आपका है, हम क्यों करेंगे कंफर्म? तो ये पेपर से पहले कंफर्म नहीं हो सकता हम तो नहीं कर सकते ना, स्कीम जब फाइनल होगी तब की बात है। इट इज योर फिर? कॉल, प्लानिंग आपकी, आप एक कौन से पेपर देने हैं कौन से नहीं देने हैं। हमारा काम तो टेस्ट करना है आपके नॉलेज को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल है कि जिसने बीएम का पेपर पहले दिया हुआ है और वो पास नहीं कर सका, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसने नया पेपर देना है कि उसने बीएम का पेपर देना है? कब की बात? मार्च में अगर स्कीम इंप्लीमेंट हाँ हो जी, अगर जाती है। इंप्लीमेंट हो जाती है जी। जी शुमाइला, ऑब्वियस आंसर तो मेरे लिए यही है, नया सिलेबस देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जब नई स्कीम आ जाएगी तो पुराने पेपर्स रिप्लेस हो जाएंगे और नए पेपर्स जो हैं उनके एग्जाम्स होंगे। यानी एक चीज याद रखें कि पैरेलल नहीं चलनी दो स्कीम्स, एट ए टाइम एक ही स्कीम है, तो ऑप्शन ही नहीं होगी पुराने की वहां पे। पर मेरा ये क्वेश्चन था कि AFC जिन्होंने क्लियर कर ली है और मार्च में तो न्यू स्कीम अप्लाई होगी अगर वो हो जाती है, ठीक है, तो जिन बच्चों ने KF1 और नहीं पढ़ा हुआ तो वो R1 और R2 को कैसे डील करेंगे, क्योंकि बेसिक तो नहीं उन्होंने पढ़ी हाँ, होगी, तो सिलेबस पढ़ के आना पड़ेगा ना उस पेपर के लिए भी, इसलिए तो हमें फिक्र नहीं है ट्रांजिशन में कि मतलब रिस्क एंड कोई रिवॉर्ड से बात नहीं, कुछ। अगर नहीं भी पढ़ा मगर FAR 1 के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली दैट्स द बात, अब कैसे वो डील करेंगे क्योंकि टीचिंग भी नहीं होगी उसकी लाइक तैयारी तो क्लासेस करनी की, पड़ती है बच्चे, ये तो नहीं हो स्टूडेंट सकता दोनों साइड से आप निकल जाए, अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट भी ना आते हो अपने। यस सर, यही मेरा क्वेश्चन तो वो था। पढ़ना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन नहीं है, वरी है, हाँ सिलेबस शॉर्ट नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ने पड़ेंगे। यस। सलाम सर। सर अच्छा हमने इतनी मेहनत से KF1-2 पास किया है, तो अब बात सुने ना, तो अब आप सर, बी में बच्चों के पास करवा रहे हैं, ये तो ज्यादा नहीं जिन्होंने नहीं तो पास कर बाकी लिया पेपर है? जल्दी कर लें, नहीं सर, ये तो आपको फिर ना कल जाना बाद पड़े है आगे। तो। ट्रांजिशन के साथ तो यही होता है, हमेशा होता है, दुनिया भर में होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट में जहां भी ट्रांजिशन पीरियड आएगा उसमें यही कुछ होता है, कुछ को फायदा हो रहा होता है, कुछ को लगता है नुकसान हो रहा है, मगर जो आपने पढ़ा है उसका नुकसान तो नहीं हो सकता। अभी तो आपने सुना है जिन्होंने KF1 नहीं किया हुआ जी वो कह रहे हैं कि FAR 1 कैसे करेंगे, आपके लिए आसान है। सर, सर सलाम मैंने ये पूछना था कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि बार बार आप ये बात रिपीट कर रहे हैं कि ये मार्च में स्कीम एप्लीकेबल होगी, आप कह भी रहे होंगे, इंशाल्लाह। तो सर ये मार्च में जो स्कीम एप्लीकेबल होगी, ये इसकी एक्सपेक्टेड डेट है या कंफर्म डेट है, पहली बात? और दूसरी बात सर ये है कि अगर ये एक्सपेक्टेड डेट है तो कन्फर्म डेट कब होगी, क्योंकि स्टूडेंट जो है उन्हें उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होती है ना, भी पेपर कौन सा, जिस तरह भी वो KF1 और KF2 की बात कर रहे हैं, अगर फर्ज किया वो मार्च में अप्लीकेबल है, इसकी ये कन्फर्म डेट है, तो स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे, अगर वो एक्सपेक्टेड डेट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे फिर। देखिए पाकिस्तान में इलेक्शन 2023 में होने हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, कंफर्म तो कुछ नहीं है ना, पर जब कंफर्म हो जाएगा तो एक्सपेक्टेड डेट तो नहीं होती। अभी तक ये स्कीम अप्रूव्ड नहीं है, अप्रूव्ड होने के बाद कंफर्म डेट दी जा सकती है, और अप्रूवल का एक प्रोसेस है जिसमें ये आज का सेशन भी है, कमेंट्स भी लेने हैं लोगों से, हमने टाइम भी दिया है 8 तारीख तक अपने कमेंट्स भेज दें, उसके बाद फिर उसके एक प्रोसेस है फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो कि ऑलरेडी चल रहा है, इसलिए कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। थैंक यू। अब हम वर्चुअली जो कनेक्टेड है उनसे ले लेते हैं क्वेश्चन। हाशिर है, हाँ जी जिन हाथ जिन्होंने रेस किए हुए हैं वन बाय वन। जी,
हाशिर हाशिर ये पहले दानिश आ रहे हैं, दानिश कर लेते हैं। देखना है कि दानिश का क्वेश्चन भी दानिशमंदाना है कि नहीं। दानिश जी, दानिश हेलो। दानिश कहीं चले गए। हेलो जी, दानिश क्वेश्चन करें अपना। फातिमा नूर, फातिमा नूर का क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रॉब्ली दानिश इज नॉट श्योर अबाउट हिज क्वेश्चन। नेक्स्ट फातिमा। नहीं, सबको इंतजार तो नहीं करवा सकते ना, अगर कोई रेडी नहीं है। कैन यू हियर मी मैम? जी जी, आई कैन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी करंटली कैफ की स्टूडेंट हूँ और मैंने मार्च दिसंबर में एएफसी क्लियर की थी और फास्ट ट्रैक में मैंने इंट्रो टू अकाउंटिंग क्लियर की है। अभी मैंने कैफ 3542 उठाया हुआ था, जो 2 जो है वो मैंने फॉर द टाइमिंग स्किप कर दिया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब मतलब क्योंकि ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है तो नेक्स्ट जो है वो जो मुझे मेरे लिए होगा कि मैं पहले ग्रुप 2 के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो करूँ, या क्योंकि मेरा कंपनी लॉ तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह सितंबर टाइम में, तो वहां से फिर मैं ले सकूंगी ग्रुप बी में से सब्जेक्ट्स। जी, जो हमने इक्विवेलेंस प्रोवाइड किया उसके मुताबिक तो आपका ग्रुप ए हो चुका होगा ना क्वालिफाई। जी फातिमा, फातिमा आपको आवाज आ रही है? यस मैम, म्यूट पे हो गया था। यस सर, मेरे अप्रोक्सीमेटली ग्रुप बी में से भी एक हो जाएगा इंशाल्लाह और उसमें से भी 2 हो जाएंगे ग्रुप ए में से। ग्रुप ए के मुताबिक है। ग्रुप ए में कितने पेपर आपके पास हो चुके होंगे, आपके अजम्पशन क्या है? यस सर, मेरा हो जाएगा एक बिजनेस लॉ हो जाएगा और एक एफएआर 1। तो 2 हो चुके होंगे तो वो तो हमने बता दिए ना पहले से। ग्रुप ए के 2 पेपर अगर आपके पास हो तो ग्रुप बी में से ले सकती हैं आप। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अगला क्वेश्चन खतीजा का ले लेते हैं। खतीजा नवी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खतीजा थोड़ा सा ऊंचा बोल लें। जी मैम, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने एएफसी दिसंबर अटेम्प्ट में अभी पास किया है, तो अभी मैम ने बताया कि अगर जिनका एएफसी पास है तो उनको पीआरसी उसके मतलब लाइक इक्विवेलेंट है उसके, तो उसमें इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग भी आता है, तो क्या मेरा वो भी एग्जेम्प्ट होगा? क्योंकि मैंने अभी कैफ 1, 2 और 3 उठाए थे और 1 और 2 अब मैंने स्किप करके BMBS और लॉ उठा ली। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ आपका, जरा रिपीट करें। शुमाइला सुनिएगा। जी मैम। जी खदीजा, दोबारा जी सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि जिन बच्चों का एएफसी पास है तो अब जो पीआरसी आ रहा है क्या वो उसके, आपने बताया जिस तरह के वो उसके इक्विवेलेंट है, तो उसमें कैफ 1 और 2 के जो 2 पेपर्स आ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, तो क्या आप वो बच्चे देंगे वो वाला पेपर या एग्जाम पे ऑटोमेटिकली क्योंकि उनका एएफसी पास है? प्लीज ये क्लियर कर दें। नहीं, एएफसी पास है तो फिर तो आप कैफ पे चले गए ना, और अगर मार्च के अटेम्प्ट आ गई तो नया सिलेबस आ जाएगा, उसके 8 पेपर है वो देने हैं बस। कि हमने एएफसी क्लियर किया है तो अब हमने कंप्लीट हो गया ना फिर यार, आंसर हो गया।
नहीं सर, वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हमने नेक्स्ट 8 सब्जेक्ट करने हैं या वो पुरानी स्कीम के मुताबिक कैफ 1 और 2 भी करना है? नहीं, वो तो नया सिलेबस है, उस पर पुराने का तो एग्जाम ही नहीं होगा। होगा सर, मतलब अगर अभी हम एग्जाम्स मार्च से जो हम अगले हमने कैफ के 8 सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं। जी ओके सर, थैंक यू। थैंक यू अदनान यूनुस। ये शुमाइला काफी कुछ मैं कहता जा रहा हूँ, ख्याल रखना कि जो आप ठीक हो सारे। अस्सलाम वालेकुम। चेक करना पड़ेगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ग्रुप ए में से लिमिट रखी गई है कि मिनिमम 3 पेपर दे सकते हैं। मिनिमम 3 पेपर्स अटेम्प्ट करने होंगे, 2 पास करने जरूरी है ग्रुप बी में से पेपर लेने के लिए। एक स्टूडेंट है, उसने 2 पेपर पास कर लिए, अब वो ग्रुप बी में चला गया है। ग्रुप बी में गया तो नहीं है, ए के 4 पेपर होते हैं, वो उसकी ऑप्शन है कि ग्रुप ए के बाकी 2 पेपर पास करे या ग्रुप बी से में पास करने शुरू कर दे। ठीक है, थैंक यू। अफराज खान। जी अफराज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, क्वेश्चन पूछें। ओके, माय क्वेश्चन, जो अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम हमारा बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ एग्जेम्प्ट हो जाएंगे टू बिजनेस लॉ जो करंट है, सो हमारा ग्रुप ए से भी 1 पेपर पास हो जाएगा, ग्रुप 2 और ग्रुप बी से भी 1 पेपर पास हो जाएगा, सो फिर हम नेक्स्ट ग्रुप बी से पेपर उठा सकते हैं कि नहीं? वो क्लियर करते हैं, जब ग्रुप ए में से 1 पेपर पास होगा तो ग्रुप बी से तो नहीं ले सकते ना। लेकिन सर ग्रुप बी से भी तो 1 पेपर पास है, वो तो डजंट मैटर, कंडीशन डजंट मैटर, ए में से 2 पेपर पास करने जरूरी है। ओके थैंक यू। देखिए एग्जाम्स में भी यही होता है, जो एग्जामिनर होता है वो तलाश कर रहा होता है उस सवाल का जवाब जो पूछा गया है, पूरा पेज भरा होता है उसका जवाब नहीं लिखा होता जो पूछा गया है, तो प्लीज टू द पॉइंट क्वेश्चन रखें अपने। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ईशा जावेद, लेकिन कीप इट रेलिवेंट, आप रेलिवेंट क्वेश्चन करेंगे तो आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आप आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। सर मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि हमारा जो ये जब ये ड्राफ्ट आया था तो इसने हमारी जो एग्जेम्पशन थी पेपर की डेट आगे कर दी गई थी कि आप अपने सब्जेक्ट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन उस वक्त क्यों रखा गया था कि आप चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने जो है दिसंबर में एफसी क्लियर किया, देन फास्ट ट्रैक में इकोनॉमिक्स क्लियर किया, अब मैंने कैफ 1, 3 और 4 लिए हुए हैं, जिसकी वजह से अब अकाउंटिंग का जब मसला हुआ तो उसके बाद हमारा सारा फोकस अकाउंटिंग पे था, फिर हमारा बीएम और जो लॉ था वो काफी ज्यादा जो है वो हम उस पर फोकस नहीं कर रहे थे, अब लास्ट मंथ आया तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं, बाकी और आईटीए हम सितंबर के अटेम्प्ट में दें या फिर हम नेक्स्ट के साथ कंटिन्यू करें, प्लीज आप मुझे ये जरा वो कर दें। और दूसरी चीज ये मैंने आपसे पूछनी थी कि जब ड्राफ्ट फाइनल नहीं था तो एफबी पे अपलोड कर दिया गया और इवन हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें फुल कंफर्मेशन दे दी कि आप लोग बिल्कुल कैफ 1 कैफ 2 एग्जेम्प्ट कर दें, तो सर ये उन्होंने किस बेस पे कहा है? और दूसरी चीज ये है कि सर जब ये ड्राफ्ट आया था तो तब स्टूडेंट्स के कमेंट्स नहीं लिए गए थे, तो फिर अब क्यों लिए जा रहे हैं? प्लीज आप जरा मुझे गाइड कर दीजिए। जजाक अल्लाह जी। कैप वाली बात तो भी समझ नहीं आई मुझे। एक तो आपने कहा जी कि पहले हमने ऑप्शन क्यों दी हुई थी चेंज करने की पेपर्स? जी एग्जैक्टली सर, अगर ऑप्शन ना होता तो फिर हम ये हमारे लिए आसान होता, लेकिन अब जो ऑप्शन हमें उस टाइम दिया गया था हमने सुन भी तो लो ना यार। जी जी सर, मैंने तो आपकी पूरी बात सुनी है ना, अब आप मेरे श्योर फॉर श्योर सर कहीं तो वो पास्ट की बात है माय डियर, पास्ट में हम नहीं रह सकते, हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना होता है और फ्यूचर की तरफ देखना होता है। आज जो सिलेबस आपके सामने है इसको देखना है कि इसमें क्या सिचुएशन है,
आपको नए सिलेबस में से ही लेने के पड़ेंगे मार्च से ऑनवर्ड, अगर ये स्कीम अप्रूव हो जाती है, जिसकी 90% कम से कम प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि यही स्कीम फाइनल हो जाएगी और मार्च के अटेम्प्ट पहली अटेम्प्ट बन जाएगी, ठीक है, ये हमारा ख्याल है एज आई कैन। दूसरा, आपके टीचर्स ने आपको क्लास में क्या कहा क्या नहीं कहा, आईकैप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आईकैप उनकी किसी स्टेटमेंट को ना डिस ऑन करता है ना ऑन करता है। हमने एफएक्यूज अपने वेबसाइट के ऊपर रखे हुए हैं, वहां से आपको ठीक जवाब मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लिख सकती हैं हमें, आपको जवाब दिया जाएगा उसका, और उसके अलावा एफएक्यूज में भी उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फायदा हो। सर हमारी पेपर्स लेने हैं कौन से नहीं, अगेन दिस इज योर डिसीजन, दिस इज नॉट एडवाइजरी सेशन, वी विल नॉट एडवाइज कि आप ये पेपर लें और ये ना लें। सर ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने सिर्फ इसमें ऐड करनी थी कि हमारे कॉलेज में टीचर्स ने कुछ नहीं कहा, जो आईकैप के मेंबर हैं टीचर्स, उनका नाम बिल्कुल भी कोट नहीं करूंगी, उन्होंने हमें बिल्कुल कहा था कि आप कैप 102 अभी छोड़ ही, आईकैप का काउंसिल मेंबर भी हो तो आईकैप जिम्मेदार नहीं है उनकी किसी स्टेटमेंट के लिए। आईकैप का मतलब है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। थैंक यू। आपने एक चीज नोट की होगी, मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, जिम्मेदार हूँ, उसके बावजूद मैं शमाइला से कह रहा हूँ, शी इज आवर सीनियर मैनेजर, जिन्होंने ये स्कीम पे काम किया, सारा डिजाइन की है, कि जहां मुझसे भी गलती हो जाए आपने करेक्ट करना है, बिकॉज शी इज आई कैप। थैंक यू, थैंक यू उषा। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, इमान नासिर। और प्लीज अपना क्वेश्चन रेलिवेंट और कंसाइज रखें ताकि सबको मौका मिल सके। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि मार्च में के अटेम्प्ट में पेपर किस स्कीम से होगा, ओल्ड स्कीम से या न्यू स्कीम से? न्यू स्कीम। ये एग्जाम्स में भी होता है, जब हम पेपर देख रहे होते हैं कि अच्छा यार सवाल तो हमने कुछ और किया, उसका जवाब कहाँ लिखा हुआ है, तीन पेज तो पढ़ लिए जवाब कहीं नहीं मिला। न्यू स्कीम हमारा क्या ईमेल एड्रेस है उसके लिए क्वेरीज अगर भेजनी हो तो। थैंक यू। एजुकेशन एट आईकैप जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मलिक हमादुर रहमान। सर पूछना ये था कि अगर मैंने दो आपकी आवाज क्लियर नहीं है हमाद, हमाद आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो जी मैम, पूछ था। हेलो हमाद बोले। जी जी बोलिए। मैम पूछना ये था कि अगर कैप के ग्रुप ए के दो पेपर दे दिए हैं, देन उसके बाकी दो पेपर उठाना जरूरी होगा ग्रुप बी के साथ, या कोई भी उठा सकते हैं ग्रुप बी ए में से? मार्च में नया सिलेबस होगा, नए सिलेबस में 8 पेपर हैं, उसमें आप देख लें कि आप दो पेपर पास किए हुए हैं, नहीं किए हुए तो पहले करने पड़ेंगे ग्रुप बी में जाने के लिए। नहीं सर, फिर ग्रुप बी और ग्रुप ए के जो रिमेनिंग 2 है में से कोई भी पिक कर सकते हैं, ये पहले ग्रुप ए के 2? ग्रुप ए पहले करना पड़ेगा ग्रुप पेपर। थैंक यू। बिलाल उमर। बिलाल आपका आवाज आ रही है? मुजम्मिल राणा का क्वेश्चन ले लेते हैं। डिस्टॉर्शन है मुजम्मिल आपकी आवाज में। आवाज आ रही है? जी आ रही है। क्वेश्चन पूछे अपना।
सर जैसे पीआरसी का एग्जाम जो है सर वो एवरी मंथ होंगे, सर कैप में भी ये चेंज किया गया है तो उसके 6 मंथ ही रहेंगे। मुजम्मिल आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, अपना माइक फिक्स कर लें, विल गेट बैक टू यू। चैट में लिख के कर सकते हैं, चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, विल गेट बैक टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इश्मल रफाकत का। होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इस अटेम्प्ट में कैफ 1, 2 और 4 जो है वो अटेम्प्ट के इस अटेम्प्ट के लिए चूज किए थे, तो कैफ 1 और 2 जो है वो एज पर स्कीम जो है वो मार्च में एग्जेम्पशन मिल जाएगी, तो मैंने कैफ 4 का पेपर देना है, तो कैफ 4 का पेपर जो कैफ के ग्रुप बी में से है, तो क्या मैं ग्रुप बी का वो पेपर मेरा मैं दोबारा दूंगी मार्च में, या वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, मतलब वो पेपर क्लियर हो जाएगा मेरा? उसकी मैपिंग दी हुई है, अगर वो उसके एग्जेम्पशन है तो मिलेगी। नो सर, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब कैफ 4 अगर क्लियर हो जाता है तो मैं फिर पहले ग्रुप ए के पेपर सारे क्लियर करूंगी, उसके बाद ग्रुप बी में। जी आप ये बताएंगे ग्रुप ए के कितने क्लियर हुए होंगे आपके मार्च में? सर मेरा कोई भी क्लियर नहीं होगा, सिर्फ मेरा बीएम है और वो ग्रुप बी में है। तो फिर ग्रुप ए के पेपर अटेम्प्ट करें, 2 पास करें, फिर बी में जा सकती है। तो बीएम का पेपर मुझे दोबारा तो नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं, वो दोबारा नहीं देना पड़ेगा अगर वो अवेलेबल है ट्रांजिशन में। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अखोन का क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट। जी मजीद 5 मिनट है कैप के लिए हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अखोन आप क्वेश्चन पूछे। जी मेरी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? वाजिद का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी ये रिकॉर्डिंग पे सेशन अवेलेबल नहीं होगा, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही। वाजिद अपना क्वेश्चन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल मार्केट में मिथ चल रही है कि ना इंट्रो टू अकाउंटिंग का पेपर वापस आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स बड़े इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो क्या आपके कमेंट्स क्या होंगे इस बारे में? जी मार्केट, उस मार्केट को ना मैं जानता हूँ ना रिकॉग्नाइज करता हूँ ना जवाब देना पसंद करूंगा। जी आई कैप तो क्या कह रहे हैं वो आपके सामने है और इसी को हम जानते हैं बस। तो हम लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं यार, लोगों के हम जवाब देना शुरू करें तो सारा वक्त यही काम करते रहे। आपके सिलेबस आपके सामने है, इसके अलावा कोई कंसिडरेशन नहीं है आपके आईकेप के पास इस वक्त। हाँ ये जो कमेंट्स आएंगे कुछ आपके, तो कोई कमेंट्स नहीं अभी तक आए, शायद कुछ मेंबर्स के कमेंट्स आ जाएं जो क्वालिफाइड हैं, वो जब आएंगे उनमें अगर कोई कंसिडरेबल चीज हुई तो फिर देखेंगे। जो भी शख्स आपको ये कहता है ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, वो आईकेप के मुताबिक नहीं है, आईकेप में ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं है, ना हमारी कोई कमेटी इस वक्त काम कर रही है कि और क्या करना है इस पे, हमने फाइनल कर दिया हुआ है जो भी था। थैंक यू। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अफान अथर का। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जब आईकैप की लास्ट पॉलिसी रिवाइज हुई थी इन 2013, एज पर ओल्ड स्कीम आप लोगों ने स्टूडेंट्स को ट्रांजिशन पीरियड दिया था जिसमें जो उनके पास रेलिवेंट सब्जेक्ट्स थे वो ही पास उनको पढ़ने थे। सर मेरी पर्सनली नेक्स्ट अटेम्प्ट इंशाल्लाह क्वालिफाइंग अटेम्प्ट होगी, तो मुझे उसमें लॉ का एक पेपर देना था, तो अगर ये स्कीम अप्लाई होती है तो मुझे 2 देने पड़ेंगे, जिससे एक पॉसिबिलिटी होती है कि मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट 6 महीने आगे जा सकती है। तो सर क्या ऐसा चांस है कि ये स्कीम नहीं अभी अप्लाई होगी, मतलब या फिर ओल्ड स्टूडेंट्स को ट्रांजिशन पीरियड दिया जाएगा एज पर ओल्ड स्कीम? क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मुझे आवाज बड़ी कम आई है, समझ नहीं आया क्वेश्चन। सर क्लैरिटी नहीं थी आपकी आवाज में। शुमाइला आप भी सुनना, शायद आपको समझ आ जाए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे एज पर पास्ट हिस्ट्री आईकैप ने हमेशा ओल्ड, जब भी स्कीम चेंज की है ओल्ड स्टूडेंट्स को
ट्रांजिशन पीरियड दिए प्रॉपर उनकी अपनी जिस स्कीम में वो एनरोल हुए थे उस हिसाब से पेपर देने के लिए। तो जब ये स्कीम अप्लाई होगी तो क्या ऐसा चांस है कि जो इस स्कीम में रजिस्टर्ड हैं अभी स्टूडेंट्स उनको चांस दिया जाए उसी स्कीम के तहत पेपर देने का? क्योंकि मेरी पर्सनली नेक्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइंग अटेम्प्ट होगी, तो अगर लॉ होगा मेरे उसमें तो दो पेपर अगर हो जाएंगे तो चांस है कि मेरी छह महीने आगे हो जाए क्वालिफाइंग अटेम्प्ट। तो इस हवाले से आज के डेट तक तो कोई चांस नहीं है कि दो पैरेलल स्कीम्स हम लेके चलें। सर ये इससे इंडक्शन पे जो फर्क पड़ेगा कैफ स्टूडेंट्स के, ये एक एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा? जी दोबारा बताइए। सर मैं कह रहा हूँ तो इससे तो बहुत सारे बच्चों की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट में जो फर्क पड़ेगा वो एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा? जी कुछ को पॉजिटिवली इफेक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं, ट्रांजिशन में ये हुआ करता है, कस्टमाइज सॉल्यूशन नहीं हम दे सकते। और सर एक डेफिनेट हमें टाइम मिल सकता है कि कब ये स्कीम के लिए हमें बता दिया जाएगा कि ये अप्लाई हो गया? डेफिनेट अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता। मैं तो आपको बता रहा हूँ सारे कमेंट्स आने हैं, उसको रिव्यू करना है, हमने फेडरल गवर्नमेंट के पास जाना है दोबारा अप्रूवल के लिए। वो अप्रूवल होगी तो उसके बाद हमें एक सर्टेन टाइम चाहिए होता है उसके अंदर एग्जाम देने के लिए, तो एग्जैक्ट डेट है नहीं हमारे पास, वरना जरूर बता देते। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। शुमाइला डू यू वांट टू ऐड समथिंग? शुमाइला आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है शुमाइला को भी आवाज नहीं आ रही है। शुमाइला आपको आवाज आ रही है मेरी? No, I don't want to. जी, I don't want to add anything. ठीक है, over to you, sir. ये सादिया उस्मान का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है चैट में। कहती है फिर आप प्रेसिडेंट किस चीज के हैं? यार मैं प्रेसिडेंट हूँ, अल्लाह मियां थोड़ा ही हूँ, हर चीज का मुझे तो नहीं पता हो सकता ना। हाँ अगर आप लोगों के सामने सच बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि नहीं पता इसको, आई कैप में मेरे किसी को पता। अब इन पर्सन किसी और ने कोई क्वेश्चन करना है? अभी भी हैं। ये ना पूछना अगर कैप वन मैंने कर लिया हुआ है तो रिपीट क्वेश्चन रिपीट नहीं करना। रिपीट ना करें, माइक दो भी। इधर ले सर। नहीं वैसे सर जिस बच्चे ने पहले ग्रुप ए में सर पहले जी ग्रुप ए में चार पेपर उठा लिए नई स्कीम में, अगर उसने तीन दिए चौथे में जाकर भी कैसे है ये बताओ? नहीं मसलन उसने अप्लाई किया चार के लिए लेकिन देने तीन गया, मिनिमम थ्री नहीं मसलन अप्लाई उसने चार में किया आपने लेकिन देने तीन गया, वो चौथी उसकी अटेम्प्ट काउंट होगी या नहीं जैसे पहले होता था? पहले तो काउंट नहीं होते थे जब तक अटेंडेंस ना लगे। शुमाइला जरा इस पे क्लैरिटी दे दो, इसमें चेंज तो हमने कोई नहीं की। शुमाइला आपको आवाज आ रही है? जी अब इसमें अटेम्प्ट नहीं है, अब हम एक ओवरऑल पीरियड दिया है पास करने के लिए। अब अटेम्प्ट्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया जी। आपको आवाज आ रही है? अब पीरियड है जी, आ रही है शुमाइला। चार साल का एक मैक्सिमम पीरियड है जी, चार साल का एक मैक्सिमम पीरियड है फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके आपको सारे पेपर्स जो है वो चार साल के अंदर अंदर पास करने हैं। अगर आपके दो पेपर्स रह जाते हैं, सिर्फ दो पेपर्स रह जाते हैं तो आपको लेटर दिया जाएगा ताकि आप उन दो पेपर्स को भी पास कर सकें। अगर दो पेपर रह जाते हैं तो दोबारा बताना उसके लिए क्या करना है जी। तो एक एडिशनल ईयर रहेगा, आपकी आवाज आ रही है दोबारा बोलें जी। जी मैं आपको बता रही हूँ, देखिए स्टूडेंट्स जो है जो फर्स्ट टाइम के पेपर्स में अपियर हो रहे होंगे उनको टोटल 4 years का पीरियड मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ देयर फर्स्ट अटेम्प्ट टू पास ऑल पेपर्स।
If they have only two papers remaining to pass, they shall be provided one additional year to pass those two papers. Okay, ठीक है. Clear? Clear. 4 साल आपके पास हैं. 4 साल में आपने सारे पेपर पास करने हैं. अगर 6 पेपर आपने पास कर लिए हुए हैं, बाकी 2 अभी रहते हैं कैफ के, तो उसके लिए 1 साल और मिल जाएगा. ठीक है, क्लैरिटी मिल गई. अच्छा, रिपीट नहीं करना क्वेश्चन. क्वेश्चन नहीं है, एक कमेंट है कि कमेंट रहने दें सर, कमेंट बाद में सुनेंगे. आपने कहा था कमेंट दे रहे हैं. ये सेशन कमेंट्स के लिए था, आप सारे क्वेश्चन करते गए. आप कमेंट दे रहे हो, आपने खुद ही सब कन्वर्ट किया उसमें. आप दे रहे हो सर कमेंट. जी सर, कहना था कि कैफ 1 की एग्जेम्पशन मिल जाती है, अल्लाह करे कि आईकैप दे रहे हैं. कैफ 1 की एग्जेम्पशन मिल जाती है, तो आईकैप अगर टीचर्स को इतने इंस्ट्रक्शंस दे रहे कि कैफ 5 जब स्टार्ट करने से पहले बच्चों को बेसिक्स समझा लीजिए. टीचर्स इज नॉट आवर बिजनेस, वो आप लोगों की मर्जी, हमने कंपलसरी तो रखी नहीं है. तो टीचर फिर आपकी मर्जी है जाके पढ़ना है या घर पे पढ़ना है, कैसे करना है, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है. तो टीचर्स की अपनी मर्जी, टीचर पढ़ाना है, दैट्स नॉट आवर बिजनेस. थैंक यू सर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कहां से हैं सर? जी से क्वेश्चन ये था कि ये जो न्यू स्कीम मार्च में लॉन्च हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो कैफ 1 और कैफ 2 है वो तो मार्च में एग्जाम्प्ट हो रही है, तो उसका जो हमने अटेम्प्ट लगी है कैफ 1 कैफ 2 अगर किया होगा तो एग्जाम्प्ट होगा. वही तो बात कर रहा हूँ, अगर वो एग्जाम्प्ट हो जाती है तो उस पर जो हमारा टाइम लगा है जी, जो हमने उसको पास किया है, तो वो उस 4 साल के ड्यूरेशन में काउंट होगा कि नहीं होगा? नई स्कीम से शुरू होगा 4 साल. तो पास तो हमने किए हैं ना 2 वाले. हाँ तो क्या करें भाई, पास किए तो FAR 1 भी तो आसान हो जाएगा ना. FAR 1 और 2 भी तो आसान हो जाएगा ना उसकी वजह से, क्योंकि पहले पास किए हैं आपने. लेकिन हमारी कैफ में एनरोलमेंट तो जो हमने कैफ 1 और कैफ 2 के पेपर्स दिए वहां से हो गई होगी. हाँ, इस पे क्लैरिटी ले लेते हैं, वो चाहे फेल भी हुए हो तो एनरोलमेंट तो हो चुकी हुई है. जी शुमाइला, 4 साल जो शुरू होंगे वो कब से होंगे? मार्च में नई अटेम्प्ट आ गई है से 4 पेपर या 5 पेपर पहले पास कर लिए हुए हैं, बाकी 3 पेपर रहते हैं, तो क्या उन 3 पेपर्स के लिए 4 साल अवेलेबल है मार्च से ऑनवर्ड? शुमाइला आपका आवाज आ रही है? शुमाइला हमारे साथ है भी या नहीं? शुमाइला जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है. जी जी, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉलिसी जो है वो हम ट्रांजिशन पॉलिसी को इस तरह से देखेंगे कि उनको मैक्सिमम पीरियड दिया हुआ है अपने तमाम पेपर्स पास करने के लिए, और उनका जो पीरियड है वो हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं, वो हम मंथ्स में कंप्यूट करते हैं. वर्कड आउट एज 6 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पेपर दे हैव येट टू पास ऑन द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम. Provided that examinees who have no more than 3 papers remaining on the date of effect date of scheme, they shall have 24 months to pass the scheme. अगर आपके 3 papers हैं तो आपको 24 months का period दिया जाएगा उन papers को pass करने के लिए, और अगर आपके पास 3 papers से ज्यादा आपको pass करने हैं आप उसको multiply करेंगे 6 से. तो जितने आपके number of papers हैं, अगर आपके 4 हैं तो 4 को 6 से कर लें, 5 को 6 से कर लें, 6 को 6 से कर लें, और जो आपके पास टाइम होगा यानी वो आपके पास मंथ्स है जिसमें आपको अपने वो पेपर्स पास करने हैं. शुमाइला, ये एजुकेशन स्कीम में लिखा हुआ है आपने? जी, ये जो हमारी ट्रांजिशन पॉलिसी है फॉर कैफ स्टूडेंट्स, डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन पे सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए. जी, अगर मुझे शेयरिंग के राइट्स दे दें बख्तावर. शेयरिंग के राइट्स क्यों लेती हैं इनसे वापस? नहीं, मैं किसी के राइट नहीं दे रही, मैं आपको वापस करती हूँ शेयरिंग के राइट्स. यार ये इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त शुमाइला है हमारे लिए. शुमाइला चेक करें. या जी जी, इसको अगर स्टूडेंट्स चाहें तो मैं उनके लिए दोबारा रीड आउट कर लेती हूँ. असेसीज शैल बी रिक्वायर्ड टू पास रिमेनिंग कैफ पेपर्स विद इन द रिमेनिंग पीरियड स्पेसिफाइड इन द स्कीम, एंड व्हाट्स द रिमेनिंग पीरियड, वी हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर. They shall have a maximum period to pass all papers of CAF. The period shall be computed in months, worked out as 6 times of the number of paper they have yet to pass on the effective date of the scheme. Provided that examinees who have no more than 3 papers remaining on the effective date of scheme,
shall have 24 months to pass the remaining papers. यानी अगर आपके पास तीन पेपर्स हैं तो एटलीस्ट आपको 24 मंथ का पीरियड दिया जा रहा है पास करने के लिए. अगर इससे ज्यादा है अपने पेपर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आपका मैक्सिमम पीरियड आ जाएगा जिसके अंदर अंदर आपको अपने एग्जाम पास करना है. इसका मतलब ये हुआ कि मार्च की अटेम्प्ट अगर आ गई है, नया सिलेबस आ गया है और मैंने सिर्फ तीन पेपर पास किए हुए हैं, तो 5 पेपर्स जो रहते हैं इनटू 6, 3 इयर्स मेरे पास होंगे उनको पास करने के लिए. 2.5 नहीं, मगर इनटू 6 आपने किया हुआ है ना, तो वो तो 30 months means... हाँ ठीक है, 30 months. और अगर मेरे 3 या इससे कम पेपर रहते हैं पास होने वाले मार्च की अटेम्प्ट से पहले, तो फिर मुझे 24 मंथ्स मिलेंगे. जी ठीक है, तो 6 से ज्यादा मिल जाएगा यहाँ पे मेरे पास 18 माह. ठीक है, थैंक यू. क्लियर है जी क्वेश्चन? सर सर जिनके ओल्ड स्कीम है कैफ 1-2 पास हो, ग्रुप बी की कोई पेपर उठा सकते हैं? क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है शमाइला. अगर ओल्ड सिलेबस में कैफ 1 और 2 किया हुआ तो क्या ग्रुप बी के कोई भी पेपर दे सकता है? मेरा तो ख्याल है नहीं दे सकता, क्योंकि देखें मार्च आ चुका, मार्च में 2 ग्रुप्स हैं, क्या ग्रुप 1 का कोई पेपर पास है? तो कंडीशन लगी हुई है ना, ग्रुप 1 के मिनिमम 2 पेपर पास होंगे, ग्रुप ए के तो बी में जा सकते हैं वरना नहीं. सर दूसरा सवाल, जो कोर्स आए पीसीएसई के बजाय राइटिंग स्किल के, क्या एग्जाम्प्ट होगा राइटिंग स्किल का पेपर के से, क्या एग्जाम्प्ट होगा हमारा? कोई उसका मैपिंग दी हुई है, उसके अगेंस्ट तो कोई पेपर नहीं. पीपीई जी, पीपीई का कोर्स अगर उनके लिए एग्जाम्प्ट है, राइटिंग स्किल के अगेंस्ट हमने कोई एग्जाम्प्ट दी है स्माइला जी? वो पीसीएसई का पार्ट है और अगर ये दोनों कंपोनेंट. यार आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही, देख लो आवाज ठीक कर लो वरना आईना दोहराना पड़ेगा. जी राइटिंग स्किल जो है वो पीसीएसई का ही पार्ट है और अगर ये दोनों पार्ट स्टूडेंट्स पूरा कर लेते हैं तो उनको फिर पीपीई का जो हमारा हैंड्स ऑन कोर्स है उसे उनको एग्जेम्पशन मिल जाए. समझ आ गई? मुझे भी समझाओ. हाँ जी सर, हमारे जो अभी तक सिर्फ जो अनसर्टेनिटी जा रही है वो सिर्फ इस वजह से कि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट जब इसको अप्रूव करेगी उसके बाद देखा जाएगा. तो सर नो प्रेशर, मैं आपको भी कैमरे के सामने नहीं कोई सर्टेन चीज़ नहीं बुलानी, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कितने चांसेस हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इसको सेप्टेम्बर से पहले ही अप्रूव करते हैं? देखिए मैंने तो पहले ही कहा है कि 90% प्रॉबिलिटी मौजूद है कि मार्च में पहली अटैम्प्ट हो. अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, 100 होती तो मैं यकीन के साथ कह देता. इतनी जल्दी वैसे हो जाती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज अप्रूव? जी वी आर मेकिंग एफर्ट्स, हो जाएगी. डिपेंड करता है ना, अगर इस स्कीम में कोई भी आप नई चीज कहते नहीं, कोई सजेशन ऐसी नहीं आती जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए, फिर तो डेफिनेट है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर जितने कमेंट्स देखे हैं, जितने क्वेश्चन देखे, लास्ट टाइम में हमारी बात हुई थी, मैंने आपसे क्वेश्चनिंग की थी सर. लास्ट टाइम 2014 में स्कीम आई है ना, चेंज हुई, आपको पता है वो मॉड्यूल सिस्टम से इस तरह शिफ्टिंग हुई, तो उस टाइम में वो जो एक चेंज हुआ है वो फैक्ट की बेस पे था, लेकिन इसमें सिर्फ डेमोक्रेटिक स्टाइल नजर आ रहा है इस स्कीम में. मतलब सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर आपने AFC कर लिया है तो मजे करो भाई, आपका 1-2 पास है. मतलब कोई फैक्ट नहीं नजर आया इसमें. मतलब ये किस फैक्ट के बेस पे, मतलब ये होता था ना, आप एक बच्चे को पता ही नहीं है इकोनॉमिक्स का, पता ही नहीं है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसे अकाउंटिंग का ही नहीं पता लेकिन उसको एग्जाम्प्ट हो रही है. मतलब किस फैक्ट के बिहाफ पे, किस उसके किस नॉलेज के बिहाफ पे उसकी एग्जाम्प्ट हो रही है? एक तो ये नहीं है, एक उसके बाद ये है कि अब एक बच्चे ने BMBS का पेपर, सजेशन क्या है कि एग्जाम्प्शन ना दी जाए? नहीं होनी चाहिए सर, या तो बिल्कुल ना हो, ना हो एग्जाम्प्शन. आपकी सजेशन क्या है, एग्जाम्प्शन ना दी जाए? ना हो सर, बिल्कुल ना. ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. ये आपकी सजेशन है, ठीक है, नोट कर लो. और सर
और बीएमबीएस का पहले ये होता था कि 2014 से पहले जो स्टूडेंट थे ना उनका ये था कि उन्होंने जिस स्कीम के तहत आप उस स्टूडेंट थे सर, मैंने स्कीम देखी है वो उस टाइम के स्टूडेंट से मैं इंगेज हुआ, उनसे बात हुई है मेरी, तो उस टाइम वो जिस स्कीम के तहत उनके वहां पे एडमिशन हुए थे या रजिस्टर्ड हुए थे आईकैप में, उसी स्कीम के तहत ही उनके पेपर चल रहे थे, और उसी मतलब अगर नया सिलेबस आया भी था तो उन्होंने वही वाले पेपर देने थे जी। वो हमने खत्म कर दिया इस दफा, दो स्कीम्स नहीं एट अ टाइम चलेंगी। सर अब सर फैक्ट नहीं है ना उसके, आप देखें ना, लेट्स गो अगेन, इट इज योर ओपिनियन, कमेंट क्या है आपका, सजेशन क्या है, वही मैं बता रहा हूं ना सर। अब बीएमबीएस का लेट्स गो मेरा पेपर है, लेट्स गो मैं बीएम का पेपर देता हूं, अब मुझे सजेशन क्या है, सजेशन ये है कि जिस स्कीम के तहत हम आए, लेट्स गो मैंने बीएम जो अब सिलेबस चल रहा है ना यही पेपर, मुझे इसी सिलेबस को दोबारा पढ़ के पेपर देना चाहिए। अब आजकल जो कंपनी लॉ कैफ 3 है, अब जो कैफ 3 का बच्चा अब सिलेबस पढ़ रहा है इस अटेम्प्ट के बाद, उसको यही सिलेबस पढ़ के पेपर देना चाहिए। दोनों स्कीम्स को पैरेलल लेके चला जाए, कैफ 4 और कैफ 3। यस सर, कैफ 3 एंड कैफ 4 में ही होना चाहिए, नहीं पर्टिकुलर पेपर तो नहीं ना हो सकता है, या पूरी स्कीम होगी या नहीं, क्योंकि दो ही तो पेपर है ना जिनमें क्लैश आ रहा है, और कोई आपके दो है ना भाई, औरों के मेरे तो ये नहीं, मेरे तो पास है ये, मैं तो ओवरऑल कैफ की बात कर रहा हूँ सर। ठीक, आपकी सजेशन है, ठीक है, नोट, थैंक यू, थैंक यू। अब सीफैप और एमएसए का डिस्कस कर लेते हैं, वी हैड एनफ क्वेश्चंस। प्रेसिडेंट सर, आई वांट टू कमेंट समथिंग हियर, कॉलर स्माइला, जी स्माइला जी, ये कैफ का जो कह रहे हैं कि उस पर ट्रांजिशन दी थी, कैफ पे कभी ट्रांजिशन नहीं दी गई, सो आई वांट टू टेक अ करेक्शन हियर। जी दोबारा बताइए, आवाज नहीं ठीक आ रही आपकी। जी ये जो स्टूडेंट कह रहे हैं ना कि पहली स्कीम जो थी उसमें ट्रांजिशन दी गई थी कैफ के स्टूडेंट्स को, तो आई वांट टू मेक अ करेक्शन हियर कि कैफ में कभी भी ट्रांजिशन नहीं दी गई, एंड ऑल्सो इन द लास्ट स्कीम देयर वाज नो ट्रांजिशन गिवन फॉर कैफ। ठीक है, मगर हम चूंकि आर्गुमेंट्स पे नहीं है और डायलॉग नहीं कर रहे, उनकी एक सजेशन है कि उसको पैरेलल कर लिया जाए, उसकी नोट कर लेते हैं बस। ठीक है, अगर मेजॉरिटी की इस तरह प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, लेट्स डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे आपने बताया कि पीआरसी की साल में 12 अटेम्प्ट होंगी, तो इस तरह कैफ के भी जो टाइम है वो कम किया जाए ताकि साल में 4 अटेम्प्ट हो, जैसे मैंने एक पेपर पे फेल हुआ हूं तो सर मुझे 6 माह और वेट करना पड़ेगा उसकी अटेम्प्ट देने के लिए, और जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा सर इस पे, सर इसका भी टाइम कम होना चाहिए। ठीक, ये नोट कर लें सजेशन के, कैफ के भी नंबर ऑफ एग्जाम्स इन अ ईयर ज्यादा होने चाहिए। थैंक यू, अभी 6 माह के बाद है। ठीक जी, टेक्नोलॉजी आगे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसमें पॉसिबिलिटी मौजूद है कि हम ज्यादा एग्जाम ले सके। सर अब एमएससी सीफैप और एमएससी को डिस्कस करते हैं। सीफैप का यहां मुझे नहीं लगता कोई भी बैठा हुआ है स्टूडेंट। हां जी, सीफैप वाले भी हैं जी, कोई कमेंट है आपका? ये कमेंट ना करना, चेंज क्यों नहीं किया कुछ? नहीं सर, कमेंट कोई नहीं है, कोई नहीं है, वैसे ही हम आए हैं। ठीक है, इंटरेक्ट करने। ठीक ठीक, Okay, that's it, I guess. बहुत सारे क्वेश्चन सुने हैं, बहुत सारे फीडबैक्स भी मिली हैं, तो अब तो मुझे भी याद हो गया सारी स्कीम आप लोगों की बार बार सुन सुन के। So, अब Now you can start see it and you can feel our pain. नहीं, मैं अब वो मुझे वो दर्द भी फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा, it's going to be really hectic. So, but best of luck. So, let's take the vote of thanks from Mr. Sulman. He's with us here. उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अनिल साहब आपने नोट कर लिए हैं सारे, इसमें शायद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमने आंसर किए हैं मगर आपके एफएक्यूज में शामिल नहीं है, तो उसका नया वर्जन अपलोड कर दें ये एफएक्यूज इंक्लूड करके, नंबर वन। नंबर टू, ये जो शमाइला ने प्रेजेंटेशन की है जिसमें वो ट्रांजिशंस दी हुई है सारी, और उसमें जो ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी कुछ पेपर्स कर लिए होंगे वो चूंकि नरेटिव फॉर्म में है सिर्फ, उसको भी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके अपलोड कर दीजिए प्रेजेंटेशन, ताकि जो भी देखना चाहिए उसको देख लो। जी ओवर टू यू, बताओ सलमान साहब, आपका आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया बख्तावर। सबसे पहले तो मैं जनाब प्रेसिडेंट साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत अच्छा।
सलमान ये आपने, बात नहीं सर आपका सबसे पहले शुक्रिया, आपने अपनी गुनागु मसरूफियात में से वक्त निकाला और इस अहम मौजू के ऊपर जो कि एजुकेशन स्कीम 2021 का बहुत ही इस वक्त हॉट और बर्निंग इशू है, इसके ऊपर आपने बराह रास्त स्टूडेंट से रब्ता किया, इनकी इनकी तमाम गुजारिशात को सुना और तमाम जो हम सबको आपने पाबंद किया कि इसको और से नोट करें और इसको अपने जो भी रेलिवेंट प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर टेकअप करें, तो इसमें सबसे पहले आपका शुक्रिया। फिर तमाम स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया अदा करूंगा, स्टूडेंट्स बड़ा कलीदी हिस्सा है हमारी एजुकेशन स्कीम में। इस सेशन से दो चीजें जो है वो निकल कर वाजे हुई हैं कि स्टूडेंट्स की क्या तवक्कात हैं हमारी इस एजुकेशन स्कीम से और इस एजुकेशन स्कीम की स्टूडेंट्स से क्या तवक्कात हैं। ये सारी सिफारिशात गुफ्तगू एक अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस होंगी और जहां तक मुमकिन हो सकेगा पॉलिसी या प्रोसीजरल इंटरवेंशन जैसा कि आपने फरमाया कि ये एट द अप्रोप्रिएट फोरम इसको किया जाएगा। और मैं अगेन वेरी थैंकफुल टू द होल टीम, एवरीवन रिस्पांसिबल, द स्टूडेंट्स एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट साहब हिमसेल्फ फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम हिज बिजी स्केड्यूल। थैंक यू वेरी मच, बैक टू यू बख्तावर। थैंक यू सो मच सर। इसमें बख्तावर अहमद तनवीर कह रहे हैं सी फैप और एम एस एफ कमेंट्स करना चाह रहे हैं, वो मेरा हल ले लें। आज वो सेशन कंक्लूड हो गया मगर इफ इट्स एन इंपॉर्टेंट चैट में उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है तो ले लें उनके कमेंट्स अगर ले लें। आप किसका नाम ले रहे थे? ये आयशा आयशा मुफ्तज इतने मुश्किल मुश्किल टास्क ना दो मुझे, उसने चैट में लिखा हुआ जी अगला प्रेसिडेंट भी अपने जैसा ढूंढे कहां से, हर दो बंदे मुख्तलिफ होते हैं, अगला बेहतर आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अहमद। अच्छा सर, मैंने एक्सपोजर ड्राफ्ट पढ़ के देखा था, तो एक्सपोजर ड्राफ्ट में जब मैं एनएक्सजे खोल के कॉर्पोरेट लॉस का सिलेबस देख रहा था। पढ़ते हैं पढ़ के नहीं देखते? जी जी मैंने पढ़ा था, तो मैंने जब एनएक्सजे रे देखा तो उसमें जो कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस आ रहा था उसमें एग्जिस्टिंग स्कीम से कोई 10 नए लॉज ऐड हो गए, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस एडिशन को मजीद रिकंसीडर किया जाए, बिकॉज ऑलरेडी कॉर्पोरेट लॉ एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है और उसमें फिर मजीद इस सिलेबस का एक्सटेंसिव बनाना ये स्टूडेंट्स को बर्डनाइज कर देगा। इसी तरह जब कैफ में इससे सिमिलर सब्जेक्ट कंपनी लॉ है तो उसमें डिविडेंड वगैरह की बाकी चीजें वाइंडिंग अप की चीजें ऐड हुई हैं, तो उसको भी प्लीज रिकंसिडर किया जाए, बिकॉज ऐसी बात है हम लोग इंडस्ट्री में ये चीज प्रैक्टिस तो कर रहे होते हैं बट फॉर द एक्सटेंट ऑफ गिविंग एग्जाम ये चीजें फिर कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाती है। जी जो मैं समझ पाए हूँ आप ये कह रहे हैं कि 10 नए लॉ ऐड कर दिए गए हैं कॉर्पोरेट लॉ के पेपर में। जी प्रपोज टू बी एडेड या ऑब्वियसली नई स्कीम की बात कर रहे हैं ना हम। जी 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 शमाइला ऐसा ही है, 10 नए लॉ हमने ऐड कर दिए कंपनीज रिहैबिलिटेशन एक्ट और फिर इसके बाद कंपनीज जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रेगुलेशन। मुझे उधर से भी सुनने देना। जी सॉरी कि दोनों तरह के शमाइला 10 नए लॉज हमने ऐड किए, हमने कुछ डिलीट भी किए हैं और कुछ ऐड भी किए हैं। नए लॉ नहीं, क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है, क्या हमने 10 न्यू लॉज ऐड किए हैं सिलेबस में जो पहले नहीं थे? मुझे एक मिनट मैं आपको एक मिनट देख के बताती हूँ। एमएस साहब को डिलीट भी किए हैं लॉस या नहीं? डिलीट तो नहीं किए मगर उनमें जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस में कुछ पार्ट्स डिलीट किए हैं, मतलब वो जो अमाउंट ऑफ डिलीशन है दैट्स फार लेस देन द अमाउंट ऑफ एडिशन। हाँ नहीं उसका ताल्लुक नहीं होता, जब हम इसको देख रहे होते हैं ऑब्जेक्टिविटी जो हमारे सामने होती है कि कल जो एक चार्ट अकाउंट होगा उसको क्या चीजें आनी चाहिए, इस तरह से देखा जाता है सिलेबस को। जी प्रेसिडेंट साहब हम इसको देख रहे हैं लेकिन इसमें एक चीज हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये इस पेपर का मोड भी चेंज हो गया, ये ओपन बुक पेपर है जो कि हमने रिसेंटली इसका मोड चेंज किया, ऑब्वियसली इसको उसका चैलेंज जो है वो भी इंक्रीज होने की इसकी एक रिक्वायरमेंट।
नहीं, क्वेश्चन मेरा ये है कि 10 नए लॉज ऐड किए या नहीं? 10 नहीं है, न्यू लॉज कॉपर लॉ के पेपर में हमने ऐड किए या नहीं, ये क्वेश्चन है। जी 4-5 होंगे। 10 तो नहीं है अहमद साहब, 4-5 है। इफ्तिकार साहब उसको वापस देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, रिकंसिडर कर लीजिएगा इस डिसीजन को। मैंने अपनी तरफ से काउंट किया था तो 10 नए लॉज आ रहे थे, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो प्लीज इसको कंसीडर कर लीजिएगा। आप बताइए कौन सा लॉ आपने देखा है जो रेलेवेंट नहीं है चार्टर अकाउंटेंट के लिए और इसमें ऐड हुआ? मेरे ख्याल में जो हमारे पास मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, रिकंस्ट्रक्शन, उनमें जो सेक्शन 272 टू सेक्शन 292 ऑफ कंपनीज एक्ट के अलावा जितने भी लॉज हैं, दे आर रेयरली यूज्ड इन आवर लाइव्स, और अगर हमें यूज भी करने हो तो हमें इंडस्ट्री से गाइडेंस मिल जाती है, तो इनको बड़ा एक्सटेंसिव डिटेल में पढ़ाना ये एक मतलब एक क्वेश्चन है। आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, जो हमारा उधर आईकैप में बैठ के होता है वो डिफरेंट होता है, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसे क्या क्या आना चाहिए, उससे क्या एक्सपेक्टेशन करती है इंडस्ट्री एंड प्रैक्टिसिंग मेंबर्स, वो क्या चीजें हैं, मार्केट किधर जा रही है, फ्यूचर ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए इसको देखा जाता है। सर जो हमने उसका पेपर अब तो ओपन बुक एग्जाम है, अब तो वैसे ही वो कंपैरेटिवली आसान हो गया, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, कुछ टॉपिक्स हमने रिमूव भी किए हैं उसमें से। आपकी सजेशन पे भी नोट कर लिए। थैंक यू अहमद। थैंक यू। थैंक यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, इट वाज अ ग्रेट इनसाइटफुल सेशन, बहुत सारे कमेंट्स, फीडबैक्स थे, क्वेश्चंस भी थे, तो होपफुली दैट विल बी केटर्ड एंड एड्रेस्ड, और आपके डिजायर्ड स्कीम होपफुली एक आ जाएगी टाइमली। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्रोसीड फॉरवर्ड ताकि ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पीछे भी अगर कैमराज ऑन कर लें तो प्रेजेंस आपके साथ, पीछे पीछे अपने आप को अरेंज करते जाएं हाइट वाइज। आप लोग पीछे भी खड़े हो सकते हैं।